इस वक्त हम चौगान ग्राउंड में हैं किशतवाड़ में। यहाँ पर जो फ्लैग मार्च है वो तो इसी ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे। जब भी हमने स्टार्ट करना है, जब सीनियर ऑफिसर्स आ जाते हैं, देखिए जैसे कि अनाउंसमेंट भी हो रही है, साथ साथ में बात भी हो रही है। कल ईद उल अजहा का त्यौहार है और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरफ से जो है वो तैयारियां यहाँ पर कर रही है। आप देखिए हर किस्म के जो इक्विपमेंट्स है वो जवानों को दिए गए हैं। ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, इसको लोग जो है वो ये ना लेके उनको जो है वो डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ ये बात इसलिए प्रिपेयरनेस की जा रही है क्योंकि जो अमन को नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह के जो ओकेजन है वहाँ पर मौके की तलाश में रहते हैं ताकि यहाँ पर जो अमन है उसको जो है वो ख़राब किया जाए। तो इसलिए जो है वो इस तरह की तैयारियां जो है वो होती हैं। और फ्लैग मार्च एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बड़े इवेंट का, चाहे यहाँ पर ईद का त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, या उर्स की तैयारियां हो, उस वक्त जो है वो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो की जाती है, ख़ासतौर पर ईद और जन्माष्टमी को लेकर, क्योंकि जब प्रोसेशन निकलते हैं, लोगों की गैदरिंग होती है, उस वक्त जो है वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी तरह के चांसेस जो है वो नहीं लेना चाहती है। इसलिए आप देखिए हमारे CISF के जवान भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, CRPF के जवान मौजूद हैं। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, आप देख सकते हो। सीनियर ऑफिशल्स भी जो है वो अभी यहाँ पर कुछ पहुँचे हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं। जैसे कि मैं बता दूँ कि ये देखिए CRPF की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और एक कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। अगर हम बताएं पुलिस अगर हेड है, CRPF बाजू है, CISF जो है वो दूसरा बाजू है, IRP टांगे हैं, इस तरह से ये एक जिस्म की तरह से जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो काम करती हैं। और जब ये एक साथ रहेंगी तभी जो है वो हम जो अमन पसंद दुश्मन हैं, जो नेफेरियस डिज़ाइन उनके होते हैं, जो यहाँ पर अमन भाईचारा को जो है नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनको जो है वो हरा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारे जो फेमिलियर ऑफिसर्स है, जैसे ये देखिए युधवीर जी है, सब इंस्पेक्टर है, आपको ये अक्सर रोड पर मिलते हैं, 24 घंटे ये रोड पर रहते हैं। ये देखिए विशाल पीछे, सब लोग हमारे ये जो ऑफिसर है आपने इनको देखा होगा, ये हमेशा जो है वो आपको सड़क पर मिलेंगे। आप देखिए पीछे विक्रम है, ये सब लोग जो है वो सड़क पर आपको 24 घंटों मिलते हैं, सिक्योरिटी के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। ये देखिए हमारे शाहनवाज साहब भी जो है यहाँ पर, और वालेकुम सलाम मनाज साहब हैं यहाँ पर। आप देखिए CISF के जो है सीनियर ऑफिसर एडिशनल SP साहब यहाँ मौजूद है। अगर मैजिस्ट्रेट में देखा जाए ACR है, तहसीलदार है। आप देखिए SSP साहब जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ DISP DR है, DYSP हेडक्वार्टर है। और जो ये एक इम्पॉर्टेंट डे होता है ईद का दिन, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं या इस तरह के त्यौहार होते हैं, जो दुश्मन है जो यहाँ पर अमन को जो है वो नुकसान पहुँचाना चाहता है वो इस ताक में रहता है कि कब यहाँ पर जो है वो गड़बड़ी की जाए। अभी ब्रीफिंग के बाद अब यहाँ से जो है वो रोड मार्च निकलेगा, सबसे बड़ी कम से कम 10 फीट का रखेगा। आप देखिए इस तरह से ये सारे तैयार हमारी पैरामिलिट्री भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है एजेंसी का है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हर इंसान जो है वो इसके लिए तैयार है। SHO किश्तवाड़ जो है वो अब इस मार्च को जो है वो लीड करेंगे। आप देखिए SHO किश्तवाड़ फिरदौस साहब जो है और उनके साथ दिलराज सिंह साहब जो है वो लीड कर रहे हैं मार्च को। जो यहाँ से फ्लैग मार्च आज निकल रहा है, ये एक एक्सरसाइज होती है कि जब भी लाइन आर्डर को जो है वो नाफिज करना होता है, जिसमें हम बता रहे हैं कि जो मज़हबी त्यौहार होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आज क्योंकि कल ईद है इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। आप देखिए यहाँ से जो पुलिस की नफरी है वो निकल रही है सबसे पहले, उसके बाद फिर CISF है, फिर CRPF है। कल जो है वो ईद का त्यौहार है, हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ईद का त्यौहार जो है वो खुशी से मनाए, और जो शरपसंद अनासिर है बेहतर रहेगा कि वो अपने घरों में ही रहे और यहाँ पर किसी तरह का जो है माहौल को आलूदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको चारों तरफ से जो है वो देखा जा रहा है, CCTV कैमराज लगे हैं, इसके अलावा जो है वो ड्रोन्स भी जो है वो उड़ेंगे ईदगाह के ऊपर। और जैसे कि हमने पहले भी दिखाया था कि और ये पहले भी बताया था कि किश्तवाड़ पुलिस के पास
हाई टेक ड्रोन्स हैं और पूरा सिस्टम है, नज़र रखी जा रही है हर एक को, जो सिविल ड्रेस में भी जो है वो लोग रहेंगे, जो पुलिस के लोग होंगे, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं कि जो कुछ सिविल में जो है वो लोग रहेंगे उनमें जो है वो कैमरेज भी जो है वो फिट होंगे, जिस तरह से ट्रैफिक के लोग हैं उनके कैमरे फिट होते हैं जो कि डिजिटली कनेक्टेड है, यानी कि जो डिवाइस उस बंदे पर कनेक्ट होगा, अगर उसको कोई छीन के भी ले जाए लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर होती है या 200 मीटर या 400 मीटर दूर होती है, कंट्रोल रूम में जो है वो बैठे होते हैं लोग। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आइए, ईद मनाइए, मजहबी तरीके से बनाइए और जो जायज़ है वही नारे लगाए, ये नहीं है कि आप एग्रेशन दिखाना चाहो, आप जो है वो माहौल को आलूदा करना चाहो, जिस तरह से रेडिकलाइजेशन के नारे जो है वो लगाए जाएँ। इस बार जो है वो ईद की नमाज पहले की तरह ही चौगान ग्राउंड में होगी, अगर बारिश होगी तो अपनी अपनी मस्जिदों के जो है मोहल्ले की मस्जिदों में जो है वो नमाज होगी। आप देखिए ये CISF के जवान, जैसे कि मैं बता रहा था कि सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो एक जिस्म है, अगर कोई उसका सिर है तो कोई उसका बाजू है तो कोई उसकी टांगे हैं, कोई उसके दिल है, जब तक ये सब एजेंसीज हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आपस में ना मिलें मिलते रहें और इनका कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो जिस्म जो है वो अधूरा होता है, जिस तरह से उसी तरह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी जो है वो विदाउट CRPF, विदाउट CISF, विदाउट आर्म पुलिस जो है वो या विदाउट पुलिस जो है वो अधूरा है, जब अगर देखा जाए तो लास्ट मोमेंट पर जो है वो आर्मी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए अभी CRPF के लोग जो है वो यहाँ पर निकल रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि SSP साहब खुद मौजूद हैं, DC किश्तवाड़ खुद मौजूद हैं, मैजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं, हर एक चीज़ को जो है वो जो फाइनल लेआउट है, यानी कि जो कल सिक्योरिटी का प्लान ऑन ग्राउंड होगा, जिस तरह से एक मकान का नक्शा बनाया जाता है उसी तरह से एक सिक्योरिटी का लेआउट भी जो है वो बनाया जाता है, और इस सिक्योरिटी लेआउट को जो है वो कल ग्राउंड पे जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका ऑलरेडी प्लान बनाया जा चुका है, कौन मैजिस्ट्रेट कहाँ ड्यूटी रहेगा, किसके साथ रहेगा, कितनी नफरी रहेगी, क्या क्या चीज़ें जो है वो उनके साथ होंगी, जो शील्ड है, जो बाकी चीज़ें हैं, अल्लाह करे कि इस सब की नौबत ना आए, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसे इवेंट होते हैं जिसके लिए हमेशा हमें जो है वो तैयार रहना पड़ता है, कि हमने किश्तवाड़ से में जो है वो कई कमनर राइड्स देखे हैं, चाहे वो 93 हो, 98 हो, 2003, 2008, 2013 हो, हमने जो है वो देखे हैं और मैंने अपनी आंखों से देखे, इसलिए इस बार जो है वो अब कोई मौका नहीं मिलेगा, तब के हालात तब थे, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि वो जो है वो पुरअमन तरीके पे से आए, और जो लोग ख़ास तौर पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो उनको लगता है कि वो जो है वो माहौल को आलूदा करेंगे, मैंने उनके लिए पहले भी जो है वो बताया है वीडियो में कि वो जाकर जो है वो घरों में बैठे और ईदगाह में आने की ज़रूरत नहीं है, नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्यों उनको, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर 40,000 के करीब का लोग आएंगे, उनमें से जो है वो अगर हम देखें 39,999 ऐसे लोग होंगे जो हमेशा अमन और भाईचारे को चाहते हैं और अमन और भाईचारे को सपोर्ट करते हैं, वो चंद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के ओकेजन में जो है वो ताक में रहते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर माहौल ख़राब किया जाए, भाईचारे को ख़राब किया जाए, वो जो चीज़ें होती हैं वो किसी और मुल्क के इशारे पे होती हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि लोग जो है वो उस साजिश का हिस्सा ना बने और पुरामन तरीके से आइए, ईदगाह में आइए, ईद की नमाज़ पढ़िए, फिर उसके बाद ईदगाह में से जाने के बाद जो है वो अपनी ईद जो है वो खुशी से मनाए। आप ये विजुअल्स लगातार देख रहे हैं, मैं बता रहा था कि जैसे लाइन ऑर्डर की बात है, ईद के बाद जो है वो क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है, काफ़ी एडवाइजरी आई है कि कुर्बानी के जानवर को जो है उसका डिस्प्ले ना करें कि क्या कर रहे हैं, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ फसाद क्रिएट करे उस चीज़ से जो है वो बचे, उस चीज़ से दूर रहे, आप अपने घरों में जो है वो कुर्बानी कीजिए लेकिन कुर्बानी उस जानवर की कीजिए, हमारे पास जो है वो भेड़ है, बकरियां हैं, आप उनको जो है वो कुर्बान कीजिए,
कुछ ऐसे जानवर जो है वो लोग कुर्बान ना करें जिनसे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। और मैं साफ बात वो बताना चाहता हूँ, वो गाय आती है, बैल आती है, हमें जो है वो जो दूसरी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है उनके मजहबी जज्बात को भी जो है वो मद्देनज़र रखना है कि उनके जज्बात भी जो है वो मजरू नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम किश्तवाड़ में देखें, यहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो है वो इक्वल नंबर में जो है वो रहते हैं। इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो है वो हरकत तो ना करें जिससे कल यहाँ पर अमन और भाईचारे में जो है वो खलल पहुँचे। आप हम दिखा रहे थे कि किस तरह से कुर्बानी के जानवर जो है वो लगातार बिक रहे थे, मार्केट में बिक रहे थे कुर्बानी के जानवर, तो लोग खरीद भी रहे थे। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे जानवर को जो है वो कुर्बान ना करें और कोशिश ना करें कि फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे डालें, जिस तरह की भी एडवाइजरी जो है वो पहले भी इशू की गई। और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो इस चीज़ को जो है वो अगर नहीं मानेंगे या उसकी वायलेशन करेंगे, उनके साथ कानून जो है वो सख्ती से निपटेगा। यानी कि वो सज़ा जो है वो उस इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए जो अगर उस तरह का कोई करेगा, और वो जो इंडिविजुअल अगर किसी इस तरह की हरकत करता है वो उसके लिए खुद जिम्मेवार रहेगा, ना कि कौम रहेगी। इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस तरह का के जो जानवर हैं, जैसे कि मैंने बताया गाय है, बैल है, भैंस है, इस तरह के जानवर जो है वो कुर्बान ना करें। और क्योंकि वो जो है वो यहाँ के जो हमारी हिंदू कम्युनिटी के जो बरादरी है उनका मजहबी जज्बात को जो है वो उससे ठेस पहुँचती है। क्योंकि वो गाय जो है और जो ये जानवर हैं उनको जो है यहाँ के हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो पूछते हैं और उनके लिए जो है वो मजहबी इम्पॉर्टेंस जो है वो काफ़ी है। इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की हरकत से जो है वो बाज रहें और इस तरह की हरकत ना करें। और अगर कोई करते हुए पाया गया और वो पकड़ा जाएगा, उसके लिए वो इंडिविजुअल खुद जिम्मेवार होगा, ना कि वो जो है उसके लिए पूरी कौम को जो है वो कल को खामियाजा वो करना पड़े। मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो इस तरह के इंसिडेंट्स देखते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए ताकि उस शख्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और हम उसको पूरी सपोर्ट करेंगे कि उस किस्म के लोगों को जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, वो जेल जाने चाहिए और उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और अभी आप ये मार्च जो है वो देख रहे हैं, ये टेल एंड पे मार्च है और ये चौगान ग्राउंड से जो है वो होता हुआ जो है वो जा रहा है। और अभी हमने देखा कि किस तरह से SSP किश्तवाड़ और DC किश्तवाड़ ने भी जो है वो यहाँ पर जो है वो एड्रेस किया जो सिक्योरिटी फोर्सेज की गैदरिंग है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को ईद मुबारक दे दूँगा और ये दुआ करूँगा कि जो ये लोग जो कल की ईद है वो पुरअमन जो है वो निकले और हम लोग जो है वो मजहबी रवा बरादारी के साथ जो है वो ईद बनाए।